हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब? आज मैं बात करूंगी कुछ ऐसे प्लांट्स की जिनको आप जनवरी में डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। फ्री में आप बहुत सारे प्लांट जो बना सकते हैं डिवाइड करके। अगर आपके पास ऑलरेडी प्लांट्स है या आपको कहीं से भी प्लांट जो मिल जाते हैं, तो आप उनके साथ साथ देखेंगे कि बहुत सारे पॉप्स भी निकले हुए हैं, तो उनसे आप है जो प्लांट लगा सकते हैं, अलग से डिवाइड करके प्लांट लगा सकते हैं। जो प्लांट आपसे कई बार कटिंग से नहीं लगते, वो उनको आप डिवाइड करके भी ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जो है लोगों को परेशानी आती है कि मैं कटिंग को कैसे लगाऊं और टाइम भी लग जाएगा, तो आप उनको जो है डिवाइड करके ग्रो कर लें अगर प्लांट आप लगाना चाहते हैं। तो ये कुछ लो मेंटेनेंस प्लांट है और 25+ प्लांट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की अपडेट जो मिलते रहे। तो चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं। जो सबसे फास्ट प्लांट है ये है ड्रेसिना मार्जिनेटा। बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला एक प्लांट होता है। अलग अलग कलर्स की लीव्स में ये प्लांट आपको मिल जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये पर्पल कलर की लीव्स होती है। इसमें जो है पिंक कलर की लीव्स वाला प्लांट भी आपको मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट जो होता है, कटिंग से भी लग जाता है। इसको आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। अभी इसमें जो नए पफ्स नहीं निकले, वरना इसमें जो नए नए पफ्स इसके भी निकलते रहते हैं, इसको भी आप जो डिवाइड करके बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा लो मेंटेनेंस प्लांट है। साल तक ये आपके जो है गार्डन में बने रहेगा, सालों तक बने रहते हैं ये प्लांट। तो इन प्लांट्स को आप जरूर ग्रो करें। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है मैक्सिकन पेटूनिया। ये भी बहुत अच्छा एक फ्लावरिंग प्लांट है, एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इवन इसको आप बीज से भी ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, और किसी भी टाइम आप इसको जो है ग्रो कर सकते हैं। कटिंग लगा दें आप इसकी या बीज से इसको ग्रो कर दें। इसमें भी वैसे तो नए नए प्लांट्स के साथ ही निकलते रहते हैं, वैसे भी आप ग्रो कर सकते हैं अगर इसके बीज गिर जाते हैं। आप देख सकते हैं, तो अगर आप इसको अलग से लगाना चाहते हैं तो बीज से भी इसको ग्रो किया जा सकता है। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। इसे भी आप सर्दियों में जरूर लगाएं। इसके तीन कलर आपको मिल जाएंगे, एक ये पिंक कलर आता है, वाइट कलर में इसके जो है फ्लावर्स आते हैं, और एक वॉयलेट कलर में इसके फ्लावर जो आते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा एक प्लांट है, सर्दियों में इसको आप ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है स्नेक प्लांट सेंसेवेरिया, भी इसे कहा जाता है, मदर इन लॉ या टंग प्लांट भी कहा जाता है। इसे बहुत से नामों से इसे जाना जाता है। इस प्लांट को भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ आपको मिल जाएंगी, और अगर आप इसका एक ही प्लांट लगाते हैं तो बहुत सारे पॉप्स में निकल कर आ जाते हैं। तो इसे आप डिवाइड करके भी बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने घर वाले डिब्बे में ही इसे लगाया हुआ है। तो इस प्लांट को भी आप बड़ी आसानी से इंडोर ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक एयर प्योरीफायर प्लांट है, तो इसे आप अपने घर में जरूर लगाएं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है एग्लोनिमा। ये भी बहुत सुंदर प्लांट है, इसको भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अभी इसकी नई जो है पफ्स तो नहीं निकले हैं, लेकिन अगर इसको आप करना चाहिए, अगर आपके पास काफ़ी सारे प्लांट है तो इसमें भी नए नए प्लांट्स जो निकलते रहते हैं। ये भी बहुत सारी वेराइटीज़ में आपको मिल जाएगा। बहुत सुंदर इसकी लीव्स होती हैं, आप देख सकते हैं। तो इस प्लांट को भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, चाहे आप इसे कटिंग से ग्रो कर लें या फिर आप इसे डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है बोट लिली का प्लांट, रियो प्लांट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भी बहुत ही अच्छा एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। इस प्लांट को भी आप जो डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट को अगर आप एक ही प्लांट लगाते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स में से जो है बन जाते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे पफ्स में से जो निकले हुए हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, कटिंग से बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है और बहुत सारे प्लांट्स में बन जाते हैं। बहुत जल्दी ये गमले को है कवर कर लेता है। तो उस प्लांट को भी आप है जो बास्केट में ग्रो कर सकते हैं, गमले में ग्रो कर सकते हैं, बड़ी आसानी से भी ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है पर्पल हार्ट का प्लांट। बिल्कुल पर्पल कलर इसकी जो है होती है इसकी पत्तियाँ, और ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है। छोटी छोटी कटिंग से भी बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है, और नीचे से भी बहुत सारे वॉक्स में निकलते रहते हैं। तो इसको आप डिवाइड करके भी ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट लगता है, इसको आप बास्केट में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके जो छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं, वो भी गर्मियों में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बिल्कुल अलग ही इसका कलर होता है, इसका पर्पल कलर। तो ये ग्रीनरी में बहुत ही अच्छी लुक देता है ये प्लांट। इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में जरूर ऐड करें। बहुत ही सुंदर इसकी जो है लीव्स होती हैं, ये आप देख सकते हैं कितनी। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है लेडी पाम प्लांट। ये भी एक अरेका पाम जैसी एक वेराइटी होती है। बहुत ही सुंदर इसके लीव्स होते हैं, ये आप देख सकते हैं, और बहुत ही कठोर इसके लीव्स होते हैं। ये भी बहुत अच्छा एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसको भी अगर आप जो है बारिश आती है तो इसको आप बाहर ही रखें। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, डिवाइड करके भी प्लांट बहुत सारे प्लांट बना लेते हैं। इसको भी आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। अगर आप इसका एक प्लांट लगाते हैं तो नए नए पफ्स निकल कर आ जाते हैं। तो बहुत सारे प्लांट है जो लगा सकते हैं आप इसको डिवाइड करके।
और ये इंडोर भी रखा जा सकता है और आउटडोर भी इसको आप रख सकते हैं। तो भी एक लो मेंटेनेंस है सजावटी प्लांट है ये, बहुत सुंदर लगता है ये प्लांट। इसको भी आप है जो बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसको एक बार लेकर आ जाएंगे तो नए नए प्लांट्स जो निकलना शुरू हो जाते हैं इसके भी। तो भी बहुत अच्छा प्लांट है, इसको भी आप अपने गार्डन में जरूर ऐड नेक्स्ट जो करें। प्लांट है ये है अल्टरनेथ्रा का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत छोटी छोटी लीव्स वाला प्लांट होता है, बास्केट में बड़ी आसानी से ये ग्रो हो जाता है। इसको भी आप है जो डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी ये ग्रो हो जाता है छोटी छोटी कटिंग से। और अगर आप इसको जो है डिवाइड करके लगाना चाहते हैं, यानी आपको लगता है कि प्लांट है जो कटिंग से थोड़ा लेट ग्रो होते हैं, तो आप इसको जो है डिवाइड करके भी ग्रो कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारे प्लांट आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे प्लांट है जो डिवाइड करके भी बना लेते हैं। तो उस प्लांट को भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छा लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसे बास्केट में लगाएं, बहुत ही अच्छा इसका कलर होता है। तो उस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में जरूर ऐड करें, बहुत ही आसानी से भी लगने वाला प्लांट है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है अरेका पाम। बहुत ही सुंदर ये प्लांट है, घर में जरूर लगाना चाहिए। आप इसको इंडोर भी लगा सकते हैं और आउटडोर भी लगा सकते हैं। इस प्लांट को भी आप डिवाइड करके जो है बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। बहुत सुंदर ये भी प्लांट है और वास्तु के अनुसार ये प्लांट बहुत अच्छा माना जाता है, तो घर में ये लगाना चाहिए। सुख शांति का प्लांट भी इसे माना जाता है इसे। और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर आपके जो है बारिश आए आपके एरिया में तो इसको आप आउटडोर पे रख दें ताकि जो है इसकी नई नई लीव्स आ जाएं। तो भी बहुत अच्छा प्लांट है, इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, इसको भी आप डिवाइड कर करके बहुत सारे प्लांट इसके बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, जो एक ही प्लांट अगर आप लगाते हैं तो नई नई जो है जो निकल आते हैं इसमें से पफ्स, तो इसको भी आप डिवाइड करके बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्लांट है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है एलोवेरा। एलोवेरा को कौन नहीं जानता, बहुत सारी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है। तो इस प्लांट को भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं डिवाइड करके। ये आप देख सकते हैं इसमें जो प्लांट, कितने सारे प्लांट्स हैं जो लग चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इसमें से भी अगर आप एक प्लांट लगाते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स हैं जो इसके बन जाते हैं। इसके अलग अलग वैरायटीज आपको मिल जाएगी। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें लंबी लीव्स होती है, कईयों में छोटी लीव्स होती है। तो इस प्लांट को भी बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छा एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, तो इस प्लांट को भी आप अपने घर में जरूर लगाएं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है सिंगोनियम। बहुत ही सुंदर ये प्लांट होता है और बहुत अच्छे से ये फैलता है। इसकी जो लीव्स होती है बिल्कुल दो सिंगों वाली इसकी लीव्स होती है, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं। तो शायद इसी वजह से इसका नाम सिंगोनियम है। ये भी बहुत अच्छा एक लो मेंटेनेंस प्लांट है। अगर आप इसका एक ही प्लांट लगाते हैं तो नए नए जो प्लांट्स निकल कर आ जाते हैं, आप देख सकते हैं। तो इसको भी आप बड़ी आसानी से जो है डिवाइड करके लगा सकते हैं। अभी बहुत अच्छा प्लांट है, बहुत सारी वैरायटीज आपको इसकी मिल जाएंगी। तो आप कोई भी वैरायटी है बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, चाहे आप कटिंग से ग्रो करें या डिवाइड करके ग्रो करें। अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप इसको भी जो है डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। तो भी एक अच्छा लो मेंटेनेंस एक सजावटी प्लांट है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है अगेव प्लांट। बहुत सुंदर ये प्लांट होता है, इसकी लीव्स बहुत ज़्यादा कठोर होती हैं और थोड़ी नुकीली भी होती हैं। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसके भी है जो नए नए प्लांट्स निकलते रहते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख सकते हैं नीचे से इसके छोटे छोटे प्लांट्स निकलते रहते हैं। तो इसको भी आप डिवाइड करके बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसको बाल्टी में लगाया हुआ है। तो भी बहुत अच्छे से ग्रो होने वाला प्लांट है, एक परमानेंट प्लांट है। सर्दी गर्मी में इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस प्लांट को भी आप अपने गार्डन में जरूर ऐड करें। आप इसको जो है अपने गेट साइड एरिया पर भी दोनों तरफ लगा सकते हैं, जो कि एक बेस्ट टिप है। तो भी बहुत अच्छा एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत सुंदर तरीके से फैल जाता है अगर आप इसको लगाते हैं। और नए नए प्लांट्स इसमें को भी आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है रेन लिली का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है, बल्ब से इसे आप ग्रो कर सकते हैं। अगर आप इसका एक ही प्लांट लगाते हैं तो बहुत सारे बल्ब इसमें जो बनना शुरू हो जाते हैं, फिर आप उनको जो है डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही अलग अलग कलर्स में इसकी जो फ्लावरिंग होती है, आपको येलो कलर में, वाइट कलर में, पिंक कलर में फ्लावरिंग इसको देखने को मिल जाएगी। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इसको भी आप डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है सुदर्शन प्लांट। बहुत ही अच्छा है, भी एक फ्लावरिंग प्लांट है। इस पर वाइट कलर की फ्लावरिंग होती है, ये आप देख सकते हैं। इस पर कुछ नए नए जो है ये निकल रहे हैं, वाइट कलर के इसमें फ्लावर्स लगते हैं। तो जो फ्लावर होते हैं वो भी कुछ लटकने से टाइप के इसके फ्लावर्स जो होते हैं, और बहुत लंबी लंबी लीव्स वाला ये प्लांट होता है, ये आप देख सकते हैं। तो इसको भी आप बड़ी आसानी से डिवाइड करके लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने सारे जो है पफ्स नीचे से निकल कर आ चुके हैं।
ये देखिए, तो इसको भी आप बड़ी आसानी से डिवाइड करके लगा सकते हैं। आप अगर इसको लगा रहे हैं तो थोड़े बड़े गमले में इसको लगाएं ताकि ये अच्छे से फैले, और जो नए नए प्लांट्स हैं उनको भी आप डिवाइड करके जो है बड़े प्लांट में ही लगाएं ताकि अच्छे से फैल सके और बहुत सुंदर इसकी फ्लावरिंग होती है। तो इस प्लांट्स को भी आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है ये। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है एस्पैरागस फर्न। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत ही सुंदर इसकी जो है लीव्स होती हैं, और बहुत सारी वेराइटीज़ भी इसकी आपको मिल जाएंगी। इसको भी आप जो डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे प्लांट इसमें जो है बन जाते हैं अगर आप इसका एक ही प्लांट लगाते हैं। फिर आप इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग प्लांटर में आप लगा सकते हैं अगर आपके पास ये प्लांट है या आपको कहीं से भी मिल जाता है तो इसको आप जो डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ बहुत सारे प्लांट जो निकल कर आ जाते हैं। तो ये भी डिवाइड करके लगने वाला प्लांट है और बहुत ही आसानी से भी ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है पीस लिली का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला प्लांट है जो होता है। इसको भी आप डिवाइड करके बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही लो मेंटेनेंस ये प्लांट है। इंडोर भी अच्छे से चल जाता है, आउटडोर भी बहुत अच्छे से चल जाता है। इसके फ्लावरिंग मेनली जो है वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है प्लांट, और बड़ी आसानी से भी ग्रो हो जाता है डिवाइड करके, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। और अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप इसको जो है डिवाइड करके भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत आसानी से भी ग्रो होने वाला प्लांट है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है जेड जेड प्लांट, यानी जीसी प्लांट के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इसकी जो है जड़ बिल्कुल गांठ की तरह होती है। इसको भी आप जो डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। इसको अगर आप एक प्लांट लगाते हैं तो बहुत सारे इसमें भी जो पफ्स निकलते हैं, नए नए प्लांट इसमें बन जाते हैं, तो उन प्लांट्स को भी आप जो डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं अलग प्लांटर में। इससे आप बहुत सारे प्लांट जो बना सकते हैं। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इंडोर में अच्छे से चलता है, आउटडोर में भी अच्छे से चलता है, और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, कटिंग से भी लग जाता है। और अगर आपके पास ये प्लांट है तो आप इसको डिवाइड करके भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत सारे प्लांट है जो ये बनाता है, तो उसको आप डिवाइड करके भी ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है ऑक्सैलिस ट्रेंगुलरिस का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह इसकी जो है पत्तियाँ होती हैं, पर्पल कलर का ये प्लांट होता है, बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। और इस पर भी जो है फ्लावरिंग होती है पिंक कलर की, छोटे छोटे फूल इसमें से हैं जो आते हैं। इसको आप जो बल्ब से ग्रो कर सकते हैं, ये बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है डिवाइड करके, पर लेकिन बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह ही इसकी जो है पत्तियाँ होती है। और ये भी प्लांट बहुत खूबसूरत लगता है, इसको भी आप जो बास्केट में ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर ये भी प्लांट है और लो मेंटेनेंस प्लांट है, हार्डी प्लांट है। अगर आपके गार्डन में एक बार आ जाता है तो बहुत ही मुश्किल से ये प्लांट जाता है। इसको भी आप जो डिवाइड करके लगा सकते हैं प्लांट को, बहुत ही खूबसूरत ये भी प्लांट है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है हवारथिया का प्लांट। ये एक सर्कुलेंट वैरायटी का प्लांट है, इसको पानी की कम आवश्यकता होती है। ये भी प्लांट है जो डिवाइड होके जो है लग सकता है, बहुत आसानी से इसमें जो है पफ्स निकलते रहते हैं, नए नए प्लांट्स के बनते रहते हैं छोटे छोटे। इसको भी आप डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं, और छोटे छोटे पॉट्स में बड़ी आसानी से भी ग्रो होने वाला प्लांट है और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। आप इसे कम पानी दें तो ये बड़ी आसानी से जो है ग्रो करेगा। इसको भी आप डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं, भी बहुत अच्छा लो मेंटेनेंस प्लांट है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है डॉलर प्लांट। डॉलर प्लांट को कौन नहीं जानता, अभी बहुत ही अच्छा एक खूबसूरत प्लांट है जो होता है, बिल्कुल गोल लीव्स इसकी होती हैं, और इसके भी जो है एक से नए प्लांट है जो बनते रहते हैं। अगर आप इसका एक प्लांट बनाते हैं तो बहुत सारे प्लांट के निकल कर आ जाते हैं, नए नए पफ्स के भी बनाता रहता है, जिससे आप डिवाइड करके काफ़ी सारे प्लांट बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये प्लांट होता है, छोटे छोटे मग्स में कप्स में बड़ी आसानी से ये ग्रो हो जाता है, क्योंकि इसकी जड़ ज़्यादा लंबी नहीं होती है। और बहुत ही खूबसूरती ये प्लांट है जो लगता है, बिल्कुल गोल साइज का लगता है, बिल्कुल कॉइन की तरह इसकी लीव्स होती हैं गोल। तो उस प्लांट को भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा एक लो मेंटेनेंस प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत ये भी प्लांट है जो लगता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है डेफन बेके। ये भी बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट होता है, इसका वाइट कलर बहुत ही पसंद किया जाता है लीव्स में, बहुत ही लो मेंटेनेंस ये प्लांट है। इसमें भी ये जो एक साल बाद इसमें पफ्स बनना शुरू हो जाते हैं, तो उसको आप डिवाइड करके जो प्लांट लगा सकते हैं। वैसे ये प्लांट कटिंग से भी ग्रो हो जाता है। ये भी बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, सालों तक आपके गार्डन में बना रहता है, और बहुत ही खूबसूरत इसकी जो है लीव्स होती हैं। इसको भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं, भी देखने में बहुत सुंदर प्लांट है जो लगता है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है बास्केट प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इस प्लांट को भी आप डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, जैसे स्पाइडर प्लांट होता है, तो इस तरीके से जो इसमें जो है रनर्स बनते हैं। इस प्लांट को भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं इसके रनर्स से, जिस टाइप से रनर्स होते हैं, क्योंकि उनमें भी जो है रूट्स होती हैं, तो ये प्लांट जो आसानी से जो लग जाता है, तो इस प्लांट को भी आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा खूबसूरत प्लांट है, बास्केट में बड़ी आसानी से ग्रो करता है ये प्लांट, तो उस प्लांट को भी आप जरूर ग्रो करें।
नेक्स्ट जो प्लांट है ये है होस्टा का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जो होता है, बहुत ही खूबसूरत इसकी लीव्स होती हैं, डिज़ाइन वाली लीव्स होती हैं, इस पर कुछ वाइट कलर भी होता है। इस प्लांट को भी आप डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसमें ऑलरेडी जो बहुत सारे पफ्स है जो निकलते रहते हैं, तो उस प्लांट से जो आप है जो डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसको आप बड़ी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, इंडोर में भी बहुत अच्छे से चल जाएगा, तो उस प्लांट को भी आप जरूर ग्रो करें। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है मिनट। ये भी एक हर्बल वैरायटी का प्लांट है, पुदीने को कौन नहीं जानता है, भी बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। इसको भी आप डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे इसके जो है बेनिफिट्स होते हैं, हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, तो इसको भी आप जरूर ग्रो करें। इसको भी आप जो डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं, अगर आप इसका एक प्लांट लगाते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स में जो फैल जाते हैं। अगर आप इसको धरती पर लगाते हैं या गमले में लगाते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स के बनते रहते हैं, तो उस प्लांट को भी आप जो डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट्स के बना सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा प्लांट है, इसको भी आप घर में जरूर लगाएं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है ऑर्चिड का प्लांट। ये भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट है और डिवाइड करके लगने वाला प्लांट है, बहुत आसानी से भी ग्रो हो जाता है। इसको आप डिवाइड करके जो है बड़े बहुत सारे प्लांट है जो बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग इसकी होती है, अलग अलग कलर्स में, पिंक कलर में, रेड कलर में, तो बहुत सारे कलर्स में इसके जो है फ्लावर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कोई भी वेराइटी आपको मिल जाए उसको आप डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा। ये भी लो मेंटेनेंस प्लांट है, इंडोर में बड़ी आसानी से भी चल जाता है। ओके गाइस, तो ये थे कुछ ऐसे 25 प्लांट्स जिनको आप है जो डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमसे जो कटिंग थोड़ा लेट ग्रो होती है या थोड़ा टाइम लग जाता है कटिंग लगने में, या फिर आप फ्लावरिंग प्लांट लगाते जैसे उनकी कटिंग लगाते तो थोड़ा लेट फ्लावरिंग होती है, तो आप प्लांट्स को इन प्लांट्स को डिवाइड करके ग्रो कर सकते हैं। ये परमानेंट प्लांट है, बड़ी आसानी से जो है गार्डन में बने रहेंगे, सालों तक बने रहते हैं ये प्लांट, तो इन प्लांट्स को आप जरूर ग्रो करें। परमानेंट प्लांट है, कुछ फ्लावरिंग प्लांट भी है इनमें, तो इन प्लांट को आप ग्रो कर सकते हैं बड़ी आसानी से, डिवाइड करके ग्रो कर लें तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे। कुछ प्लांट जो है इंडोर में भी ग्रो हो जाते हैं, अगर आप इन्हें इंडोर में रखना चाहें तो इंडोर में भी रख सकते हैं, अगर आप आउटडोर में रखना चाहें तो आउटडोर भी रख सकते हैं। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।